हेलो नमस्कार दोस्तों, फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम जानेंगे कि अपने गूगल एडसेंस में आप लोग आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को कैसे करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन सबसे पहला हमारा पार्ट होता है हमारे अर्निंग की जो शुरुआत होती है। तो अब जब आप देखेंगे कि अबाउट लगभग आपके पास जब $9 या $10 के आसपास कलेक्ट हो जाते हैं, तब आपको गूगल एडसेंस की ओर से आपको अपना आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए बोला जाता है, तभी आपका पेमेंट क्या होगा, विड्रॉ हो पाएगा। तो यहाँ पर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन को करते कैसे हैं वो सारी प्रोसेस को मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर आपको एक मैसेज फ्लैश होगा कि योर पेमेंट करेंटली ऑन होल्ड, एक्शन इज रिक्वायर्ड टू रिलीज पेमेंट। यानी कि आपको यहाँ पर क्या करना है, कुछ ना कुछ एक्शन करना होगा पेमेंट को रिलीज करने के लिए। सबसे पहले मैंने किया क्या है कि गूगल एडसेंस में लॉगिन कर लिया है मैंने अपने आईडी से, और मैं यहाँ पर गूगल एडसेंस के होम स्क्रीन पर आ गया हूँ। और यहाँ पर होम स्क्रीन पर आपको ये आपका पहला स्क्रीन कुछ इस प्रकार से देखने को मिल रहा है। तो वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं रवि आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल पर। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा लें नोटिफिकेशन पाने के लिए, ताकि आपको इसी प्रकार की लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन और कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो की नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग करते क्या है कि यहाँ पर देखिए आपको जो मैसेज स्क्रीन पर दिख रहा होगा, यहाँ से आप एक्शन वाले पे क्लिक कर सकते हैं, या फिर यदि आपको इस तरह का मैसेज फ्लैश नहीं हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से पेमेंट्स है, पेमेंट्स वाले पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप पेमेंट्स वाले पे क्लिक करेंगे आपको कुछ इस प्रकार का स्क्रीन दिखाई देगा। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि वेरीफाई योर आइडेंटिटी का एक आपको अलर्ट शो हो रहा होगा, और यहाँ से वेरीफाई नाव पर क्लिक यहाँ पर करने का ऑप्शन आ रहा है। जैसे हम लोग वेरीफाई नाव पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से देखिए हम लोग क्या करते हैं, ये स्क्रीन आपके पास अपीयर होगा। जैसे ये स्क्रीन अपीयर होगा यहाँ पर बिगिन वेरिफिकेशन वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका आइडेंटिटी क्या होगा, वेरीफाई होगा। जैसे बिगिन वेरिफिकेशन वाले पे हम लोगों ने क्लिक करा, यहाँ पर आपका जो नाम है, लीगल नेम जो आपके डॉक्यूमेंट के अनुसार है, वैसे एग्जैक्टली जैसा है वैसा ही आप यहाँ पर डाल लेंगे। डाल लेने के बाद में यहाँ पर आपको ऑप्शंस हैं कि इंडिया पासपोर्ट या पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जिस प्रकार का भी आपके पास है आइडेंटिटी कार्ड या आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ सेलेक्ट कर लेकर जैसे अपलोड कर लेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको इस तरह से आपको यहाँ पर दिख जाएगा कि आपने ऐड कर रखा है। उसके बाद यहाँ से हम लोगों ने नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही नेक्स्ट पे आपको क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से आपका एड्रेस को फिल करने का ऑप्शन आएगा। यहाँ से आप जब आप एड्रेस को फिल कर लेंगे, एड्रेस फिल कर लेने के बाद एड्रेस में आपको अपना जो भी होगा स्ट्रीट एड्रेस, आपका अपार्टमेंट या जो भी है वो डालने के बाद सिटी, पिन कोड, स्टेट डालेंगे और यहाँ से सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे ही क्लिक करेंगे क्या होगा, यहाँ पर एक आपको मैसेज अपीयर होगा कि वेरिफिकेशन इन प्रोग्रेस, आपका आइडेंटिटी वेरिफिकेशन प्रोग्रेस में चला जाएगा, अंडर प्रोसेस चला जाएगा। और जैसे यहाँ से हम लोग गॉट इट करते हैं तो यहाँ पर देखिए जो आपको अलर्ट दिख रहा था यहाँ से अब आपको दिखाई देगा, योर आइडेंटिटी वेरिफिकेशन इज इन प्रोग्रेस, प्लीज अलाउ अ फ्यू डेज फॉर वेरिफिकेशन। इसमें आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होने में कुछ घंटे भी लग सकते हैं, कुछ मिनट भी लग सकते हैं, या कुछ दिन भी लग सकते हैं, जैसा भी हो टीम के अनुसार कि वो कितना समय आपके आइडेंटिटी को वेरीफाई करने में लेता है। यहाँ से जब अगर आपको देखना हो तो फिर से आप यहाँ से वेरिफिकेशन चेक वाले पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपको एक मैसेज यहाँ से दिख रहा होगा, आइडेंटिटी वेरिफिकेशन कंप्लीटेड। तो इस प्रकार से आप अपना आइडेंटिटी को वेरीफाई कर पाएंगे गूगल एडसेंस में। आगे की जो भी आपकी अर्निंग हो उसे विड्रॉल करने से पहले आपको ये चीज़ें करना होगा। इसके बाद फिर आपको एड्रेस को भी वेरीफाई करना होता है, जो कि गूगल एडसेंस के द्वारा आपके एड्रेस पर एक पिन भेजा जाता है, उस पिन को इंटर करके आप अपने एड्रेस को वेरीफाई करवाएंगे तो आपका पेमेंट जो क्या है, विड्रॉल होने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वो कैसे आप करेंगे उसकी वीडियो में जल्द लाने वाला हूँ, तब तक आप इस वीडियो को देखिए। और इस वीडियो से यदि आपको हेल्प मिला हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियोज़ को लाइक जरूर करें और दोस्तों के बीच में शेयर करना ना भूलें, ताकि आपके इस शेयर से
और लाइक सब्सक्राइब से हमें सपोर्ट मिलता रहे, मोटिवेशन मिलता रहे, ताकि इसी प्रकार की आपको टेक्निकल वीडियो की जानकारी मैं आपके बीच में देता रहूं। तो बने रहे स्मार्ट कंप्यूटर ट्यूटोरियल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।